आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसे आप इस्तेमाल करते ही कहेंगे कि वाओ। वो जो होता है ना, हम पार्लर में जाके महंगा फेशियल करवा के आते हैं, उसके बाद जो हमें फ़ील होता है उससे भी अच्छा आपको फील होने वाला है, क्योंकि हम जब पार्लर में जाते हैं तो पैसे खर्च करते हैं तो उसका थोड़ा सा दुख रहता है। बट यहाँ पर मैं घरेलू चीज़ों से आपको बताऊँगी और वो भी पार्लर से दो गुना अच्छा निखार देगा आपके चेहरे पर। अच्छा खासा आपको लगेगा कि वाकई मैंने कोई महंगा पार्लर से फेशियल करवा के आया हुआ है। तो वाकई में एक बार ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करना, मेरे कहने पर ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं कि रेमेडी को बनाना कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ले लेना है मुल्तानी मिट्टी, ले लेंगे हम एक चम्मच। आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है, ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है, जो एक्सेस ऑयल होता है उसे खींच के ये बाहर निकालता है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पर ले लेना है चावल का आटा। मार्केट पे रेडीमेड मिल जाता है आटा, अगर नहीं है तो आप घर पे भी चावल को पीस के उसे छान के रख सकते हैं, अगर आप इस तरह की रेमेडी बना के इस्तेमाल करते हैं तो। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको ले लेना है यहाँ पर टर्मरिक, तो पिंच ऑफ आपको टर्मरिक लेना है। अगर आपको लगता है कि टर्मरिक सूट नहीं करता तो टर्मरिक स्किप कर देना है। मैं बताऊँगी आपको आगे कि क्या स्किप कर सकते हो और क्या रख सकते हो। अब यहाँ पर हमें लेना है हाफ टी स्पून ले लेना है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर मार्केट वाला ले रही हूँ, अगर आप घर वाला लेंगे तो वो एकदम बेस्ट रहेगा। जो घर वाला एलोवेरा जेल होता है ना प्लांट वाला, वो आप ले सकते हैं। हाफ चम्मच आपको यहाँ पर ले लेना है एलोवेरा जेल। अब यहाँ पर आपको लेना है विटामिन ई की कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो मैं ऑप्शन बता देती हूँ। यहाँ पर आपको ले लेना है कोकोनट ऑयल, 4-5 बूंदे कोकोनट ऑयल की ले लेना है। अगर वो भी आपको यूज़ नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है अपने फेस पे, तो आप बादाम का ऑयल ले सकते हैं। तो तीनों में से जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। 3-4 बूंदे हम लेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो बस अब इसके बाद हमें लेना है फाइनली वो है टमाटर। टमाटर को अच्छे से ना हाथ से पहले उसको दबा लीजिए थोड़ा सा, तो उसके बाद उसका जो जूस है ना वो आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह चाकू से मैं इसे होल्ड कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर हमें जो टमाटर का जूस है वो 2 स्पून, 2 चम्मच आपको टमाटर का जूस लेना है। टमाटर के जूस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर रेगुलर भी हम टमाटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपकी जो स्किन है ना वो लाइटिंग ब्राइटनिंग करने लगेगी। एवरीडे नहाने से पहले अगर आप ओनली टमाटर को भी अपने फेस पर रब कर देते हैं ना, तो उसका भी जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जो हमारा फेस वो क्लीन हो जाता है, दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 स्पून ले लिया है टमाटो जूस। अब यहाँ पर लेना है आपको लेमन। लेमन ऑप्शनल है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो स्किप कर दीजिए, अगर सूट करता है तो आप इसे ज़रूर लीजिए। क्योंकि जो लेमन होता है ना हमारी स्किन के कालापन को काटने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को लाइटिंग एंड ब्राइटिंग करता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप लेमन स्किप कर सकते हैं, टर्मरिक स्किप कर सकते हैं, बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर जो ली हूँ उन सारे इंग्रेडिएंट आपको लेना है, तभी आपको ना वो ग्लो दिखेगा फेस पे। अब इसे हमें मिक्स करना है गुलाब जल, रोज़ वाटर से हमें धीरे धीरे करके मिक्स करना है। अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही से मिक्स करके अपने फेस पे लगाएं। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, स्किन पे बहुत सारे जो दाग धब्बे रह जाते हैं ना, तो जो आलू का जूस होता है ना उसको घिस के आप उसका जूस निकाल लीजिए और उससे मिक्स करके लगाइए, तो रिज़ल्ट आपको अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा। और नहीं तो फिर आप गुलाब जल से इस तरह से मिक्स करके लगा सकते हैं। अब इसे फेस पर लगाना कैसे है, सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन कर लेना है। मैंने यहाँ पर फेस क्लीन कर लिया है, हल्का सा बस सिंदूर और लिपस्टिक लगा के रखी हूँ। फिर भी एक बार आपको जैसे हम फेस वॉश करते हैं ना, उसके बाद भी आपको रोज़ वाटर या रॉ मिल्क से अपने फेस को क्लीन कर ही लेना है, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद भी ना कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है फेस पे, तो एक बार क्लीन ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैं कॉटन की मदद से अपने फेस को अच्छे से पहले तो क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही हम फेस पे जो हमने तैयार किया है उसे हम लगाएंगे। तो देख रहे होंगे मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी एक बार आपको क्लीन करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम जो हमने पैक रेडी किया है उसको अपने फेस पे लगाएंगे। तो ये जो हमारा पैक है, अभी जब हम लगाएंगे ना उस टाइम पे आपको मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस एक लेयर लगा के आपको छोड़ देना है। और जब हम इस पैक को लगाएंगे तो किसी से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है जब हम बातें करने लगते हैं तो हमारी जो स्किन है ना वो मूवमेंट करने लगती है, तो जो पैक होता है ना फिर कहीं से वो क्रैक क्रैक होने लगता है और स्किन पे ना वो आप देखेंगे अगर पैक टाइट हो जाता है, फिर हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ खिंचाव होता है, तो हल्का सा ना फिर वो थोड़ा सा महसूस होता है। तो आपको बातचीत नहीं करना है ऐसे, अगर आप लगा के ऐसे बैठे रहेंगे ना तो आप देखेंगे आपके जो रिंकल्स आ जाते हैं
वो भी रिमूव हो जाएगा। तो आपको बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसे डायरेक्ट जाके आपको फेस को धोना भी नहीं, हल्के हाथों से गीला कर लेना है और हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। मसाज करने से क्या होगा, आपके हमारे जितने भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, डीपली हमारी स्किन को ये क्लीन करेगा। तो आपको हाथों को गीला करके एकदम रगड़ के नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर चावल के आटा का इस्तेमाल किया हुआ है, तो चावल का जो आटा है वो हल्का सा दरदरा रहता है, तो हमारी स्किन पर रैशेस ना आ जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से अपने फेस को मसाज करके आपको ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है और आप रिज़ल्ट देख रहे होंगे, आपके सामने है। इतना अच्छा रिज़ल्ट आया ना गाइस, तो एक बार ज़रूर मेरे कहने पे इस फेस पे को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे हम गोरे हों चाहे काले हों, लेकिन हमारा जो फेस है ना वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मेरे भी फेस पे एक्ने पिंपल के निशान है, पहले बहुत थे, अब धीरे धीरे करके वो रिमूव हो गए हैं जब से मैंने होममेड इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।